वक्त के साथ तमाम चीजें बदल जाती हैं, लेकिन यूपी के कौशाम्बी जिले के दारानगर में आयोजित होने वाली रामलीला का कुप्पी युद्ध आज भी अपना स्वरूप कायम किए हुए है। इस युद्ध में राम रावण दल की सेनाएं वास्तव की युद्ध करती हैं, जिसे देखने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। यहाँ की रामलीला 245 सालों से बिना किसी बाधा के परंपरा अनुसार होती चली आ रही है। कुप्पी युद्ध का रोमांच ही ऐसा होता है कि इसे देखने के लिए दर्शक खुद ब खुद मैदान में डटे आते हैं। दो दिवसीय कुप्पी युद्ध में पहले दिन काले कपड़ों में सजी रावण की सेना की जीत होती है, तो दूसरे दिन लाल कपड़े में युद्ध करने वाले राम की सेना सत्य की जीत का विजय पर्व मनाती है। ये दृश्य देखकर ये मत सोचिएगा कि किसी झगड़े का दृश्य हो रहा है, बल्कि दृश्य है दारानगर में 245 सालों से आयोजित होने वाली कुप्पी युद्ध का, जिसमें राम और रावण की दो सेनाएं आमने सामने होती हैं। भगवान राम की सेना लाल, रावण की सेना काले कपड़े में होती है। आमना सामना होने पर दोनों सेनाओं के बीच प्लास्टिक की कुप्पी से युद्ध होता है। आयोजकों के सिटी बजाते ही राम और रावण दोनों दल के सेनानी जिस तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, उसे देखकर दर्शक रोमांच से भर उठते हैं। दारानगर की रामलीला में कुप्पी युद्ध के लिए दो दिन में 7 लड़ाई दोनों दलों के बीच होती है। पहले दिन 4 चरणों में लड़ाई होती है। पहले दिन की चारों लड़ाई रावण की सेना जीती है। दूसरे दिन 3 लड़ाई होती है। ये तीनों लड़ाई जीतकर राम की सेना विजयदशमी का पर्व मना रही है। दोनों दिन के सभी 7 युद्ध 10-10 मिनट के होते हैं। राम और रावण दोनों ही दल में 25-25 सेनानी होते हैं। युद्ध इतना विकराल होता है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युद्ध में सेनानी घायल भी हो जाते हैं, लेकिन रणभूमि की मिट्टी ही इनके लिए दवा का काम करती है। सेनानी बताते हैं कि युद्ध में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है। पहले दिन होने वाले 4 कुप्पी युद्ध में रावण की सेना श्री राम की सेना पर भारी पड़ती है, उन्हें हराने का पूरा प्रयास करती है। दर्शक बताते हैं कि ऐसा कुप्पी युद्ध कहीं और देखने को नहीं मिलता, इसलिए वहां ये खिंच चले आते हैं। रामलीला आयोजक इस युद्ध को सजीव करने के लिए महीनों मेहनत करते हैं। महीनों पहले से तैयारी हो जाती है। बल्लियों से घिरे बड़े मैदान में युद्ध के दौरान दोनों दल की सेना इस कदर बेकाबू हो जाती है कि उन्हें संभालना आयोजकों के लिए कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। एक कुप्पी युद्ध के संपन्न होने पर मेघनाथ वध, कुंभकर्ण वध भी होता है। दारानगर की रामलीला का इतिहास 245 साल पुराना है। यहाँ जैसा कुप्पी युद्ध कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। आयोजक बताते हैं कि यहाँ हमारा समाज ऊंच नीच जाति धर्म के नाम पर बट रहा है, तो वहीं यहाँ के इस रामलीला में पिछले 245 सालों से रावण की दलित सेना भगवान राम की सेना पर पल भर के लिए भले ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन पल भर में यही आपस में गले मिलकर भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। तो क्या आप जानते थे इस अजीब युद्ध के बारे में? अगर जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस जगह से कौन कौन है ये भी कमेंट करें, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत अच्छे दिया है आज भी, अब भी 2024 में बहुत अच्छे से हो रहा है। वो गई निर्बाध रूप से जारी है। विजयादशमी के दिन 4 युद्ध होते हैं, एकादशी के दिन 3 युद्ध होते हैं। हमारे यहाँ रावण का दहन नहीं होता है, रावण का वध किया जाता है, और श्री राम और रावण के बीच सजीव युद्ध होता है। इसी तरह राम और रावण दल के बीच सजीव युद्ध होता है, उनकी निश्चित संख्या होती है 20-20 की संख्या में। दोनों सेनानी बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध करते हैं। जय मणि तिवारी, अध्यक्ष श्री रामलीला कमेटी दारानगर। ये रामलीला 245 साल पुरानी रामलीला है, और इसमें 7 कुप्पी युद्ध होते हैं। 4 कुप्पी युद्ध पहले दिन होते हैं, 3 कुप्पी युद्ध दूसरे दिन होते हैं, और हमारे यहाँ की परंपरा सभी कुप्पी युद्ध की चली आई है। इसमें राम और रावण के सेनानियों के बीच में आपस में युद्ध होता है, और राम देवता विजय होती है। मेरा नाम पंडित नयन मिश्रा। यहाँ पर यही हमको अच्छा लगता है कि सदैव से जो सुनते चले आ रहे हैं कि असत्य पर सत्य की जीत होती है, जो कि 245 वर्षों से रामलीला महोत्सव मनाते हम लोग चले आ रहे हैं, और बुराई पर अच्छाई की जीत की तर्ज पर यह कुप्पी युद्ध मनाया जाता है।
और देश को यह संदेश दिया जाता है कि किस प्रकार से असत्य पर सत्य की जीत होती है, उसी प्रकार यह युद्ध राम और रावण सेना के बीच में कराया जाता है।